नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल विजय चैनल पर दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तो दोस्तों मैं आज की वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि दोस्तों जो आपकी इंटरनेट स्पीड होती है वो डाउन क्यों हो जाती है और स्लो क्यों हो जाती है, क्या कारण होता है और क्या रीज़न होता है। दोस्तों इतना ही नहीं दोस्तों, मैं और आपको ये भी बताऊँगा दोस्तों कि और आपको मैं अपनी इंटरनेट स्पीड बढ़ाकर भी दिखाऊँगा दोस्तों कि दोस्तों जो इंटरनेट की स्पीड है वो आपकी स्लो किस कारण से हो जाती है, और जो ट्रिक्स हैं दोस्तों वो ट्रिक मैं आपको भी बताऊंगा कि कौन कौन सी ट्रिक आपको अपने फ़ोन पे यूज करनी है जिससे आपका इंटरनेट स्पीड बढ़ जाए और आपको फुल स्पीड मिल सके, जिस भी ब्राउज़र को आप यूज करें कहीं भी दिक्कत ना हो और बार बार रिफ्रेश ना करना पड़े। दोस्तों तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही बारीकी से देखते रहिए और किस किन कारण में आपकी स्पीड डाउन हो जाती है और उसको आपको इंक्रीज कैसे करना है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और दोस्तों हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ यार एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद ना आए तो दोस्तों कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को फुल कम्प्लीट देखिए, 4 या 5 ट्रिक बताऊँगा इंटरनेट स्पीड बढ़ाने की और ये भी बताऊँगा कि आपका इंटरनेट स्लो क्यों हो जाता है, क्या कारण है, क्या रीज़न है दोस्तों। ठीक है ना, फुल वीडियो कम्प्लीट देखते रहिए। दोस्तों आप क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों कोई भी डाटा ब्राउज़र ओपन करते हैं और उसकी APN सेटिंग सेट करते हैं। दोस्तों यहां से जाकर आप APN सेटिंग पे चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं, तो दोस्तों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही कोई डिफेंड होता है दोस्तों, तो इससे कोई भी फ़ायदा नहीं है दोस्तों। और वो ट्रिक क्या है, कैसे आपको लगाना है सब बताऊँगा दोस्तों। ठीक है ना, वीडियो को फुल देखते रहिए। तो दोस्तों आपको सिंपली से बैक कर लेना है फ़ोन, ठीक है ना, और बैक करने के बाद दोस्तों दो ऐसी सेटिंग है तो दोस्तों दोनों सेटिंग आपको करनी है दोस्तों, वो दोनों सेटिंग मैंने आपको पहले बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है ना, तो सिंपल से आपके फ़ोन में जो एंटी वायरस का सिस्टम होता है यानी जो जंक फाइल्स होती हैं दोस्तों उनको हटाना आवश्यक है दोस्तों। अगर आप उनको नहीं हटाओगे दोस्तों इस कारण में आपको क्या होता है कि मैं मान लीजिए पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपका जैसे MI का फ़ोन है या फिर ओप्पो या वीवो या किसी का भी फ़ोन हो दोस्तों, हर एक फ़ोन में एक ना एक क्लीनर स्पेस आपको दिया ही जाता है दोस्तों, वो आपको ढूंढना होगा दोस्तों। मेरे यहाँ पर आई मैनेजर है दोस्तों, इससे मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है ना, किसी का में डिवाइस मेंटेनेंस होता है या फिर किसी में और कुछ भी होता है दोस्तों, तो ये आपको ये ध्यान रहे दोस्तों। यहाँ पर अगर आपके पास ये नहीं है तो सिंपल से आप जाके एक एंटीवायरस नाम का एप्लीकेशन वहाँ से जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। यहाँ से करने के बाद फिर क्या होता है दोस्तों कि आपको यहाँ पर क्लीन करना होता है, क्लीन नहीं करोगे दोस्तों इससे क्या होता है कि आपके फ़ोन में तमाम से एंटीवायरस जो होते हैं जंक फाइल्स होती हैं दोस्तों वो आपकी इंटरनेट स्पीड को डाउन करती हैं दोस्तों। जैसे ही आप कोई इंटरनेट ब्राउजर पे जाते हो और उसे कनेक्ट कराते हो दोस्तों तो जो ये जंक फाइल होती हैं यानी दोस्तों जो एंटीवायरस होता है ये आपके सर्वर को रिफ्रूज करता है यानी गंदा करता है आपके सिस्टम को, ठीक है ना, और जिस कारण आपकी जो स्पीड है वो डाउन हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ से मैं आपको इसको दोनों को जल्दी से क्लीन अप कर देना है, पहली सेटिंग ये है, दूसरी सेटिंग वो भी आपको करनी है, पहली सेटिंग तो करनी है, दूसरी भी करनी है, और जो तीन या जो अलग अलग सेटिंग बाद में बताऊँगा तो वो सेटिंग तो आपको देखनी है दोस्तों। मैंने आपको क्लियर कर दिया, फिर इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, तो मुझे ये सारे वीडियो हैं मैं इनको डिलीट नहीं करूंगा दोस्तों क्योंकि मेरी आवश्यक वीडियो है, ठीक है ना। पहली सेटिंग आपको ये करनी है, फिर आपको बैक कर लेना है, और दूसरी सेटिंग क्या है वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ठीक है ना। इस तो दोस्तों इस कार्ड पे आपको अगर दूसरी सेटिंग करनी है, ठीक है ना, दूसरी सेटिंग क्या करना है, फिर से आपको सेटिंग पे जाना है, ये दोनों सेटिंग आपको अपने फ़ोन पे करनी है इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए दोस्तों। तो सिंपल से 77 कार्ड पर मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल पे कोई दूसरा ऑप्शन आ रहा होगा कनेक्शन का या फिर दूसरे मोबाइल पे कोई भी और आ रहा होगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जाना कहाँ है, वो डाटा यूज पर जाना है दोस्तों, ठीक है ना। तो डाटा सेविंग मोड दोस्तों नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा दोस्तों। आपको ये सब सारी की सारी चीज़ें ढूंढनी है, अगर आपका फ़ोन दूसरा दोस्तों, मेरा फ़ोन वीवो का है, ठीक है ना। तो सिंपल से मैं डाटा मोड पर इस पर क्लिक कर दूँगा, डाटा सेविंग मोड पर, और दोस्तों यहाँ पर आपको वो अप्लीकेशन चुन लेनी है जो आप बैकग्राउंड में चलाना चाहते हैं दोस्तों। अगर आप सारी चुन लोगे तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जो आपकी स्पीड है सारी की सारी एप्लीकेशन पे बढ़ जाती है और जो आप ब्राउजर यूज करते हैं वहाँ पर आपको फुल स्पीड नहीं मिल पाती है, जिस कारण आपका इंटरनेट स्लो रहता है दोस्तों। तो सिंपल से यहाँ पर आपको इसको ऑन कर देना है इसको, ठीक है ना। ऑन करने के बाद जो जो आप बैकग्राउंड में चलाना चाहते हैं एप्लीकेशन जिस पर आप स्पीड बराबर मतलब चाहिए आपको, जो जो ज़्यादा एप्लीकेशन यूज करते हैं जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये सारे आप लगाने के बाद इनको चालू करने के बाद दोस्तों इससे क्या होगा कि आपको 100% यहाँ पर ज़्यादा स्पीड मिलेगी दोस्तों, ठीक है ना। इसको ऑन करने के बाद फिर आपको करना क्या है वो मैं आपको, ये दोनों सेटिंग आपको करनी है दोस्तों, ठीक है ना। और ज़्यादा कि ये सारी की सारी ऑन मत कीजिएगा दोस्तों, अगर आप इससे सारी ऑन कर दोगे तो इससे आपको क्या होगी दोस्तों, आपकी सारी की सारी एप्लीकेशन में स्पीड बढ़ जाएगी
जाएगी और आपके ब्राउजर पर अगर बैकग्राउंड में आपके जो ऐप्स होते हैं वो रनिंग करते हैं। रनिंग करने से मतलब क्या होता है कि उसको सारी की सारी एप्लीकेशन को स्पीड मिलती है, जिस कारण आपका जो स्पीड है इंटरनेट वो कम रहता है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका इस सीजन में आप जो भी एप्लीकेशन यूज करना चाहो उसी को खाली ऑन करिएगा दोस्तों, ठीक है। दूसरी सेटिंग ये आपको कर लेनी है, दोनों सेटिंग आपको मेन है ये ढूंढ कर करनी है दोस्तों, आपको कोई भी ब्रांड का फ़ोन हो, कोई भी कंपनी का फ़ोन हो, ठीक है ना। फिर आपको बैक करना है। अब दो तीन सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको करनी ही करनी है, जिस कारण आपका इंटरनेट अब स्पीड कैसे बढ़ाना है दोस्तों, ये सेटिंग मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। वो सेटिंग क्या है कैसे ये अब ये बताने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है ना, कि आपकी इंटरनेट स्पीड कैसे बढ़ेगी। ये तो मैंने आपको मोबाइल की जो बीमारी होती है तो वो मैं आपको बता दिया दोस्तों, ठीक है ना। अब सेटिंग कैसे मतलब स्पीड कैसे बढ़ानी है ये बताऊंगा दोस्तों, ठीक है ना, वीडियो को फुल देखते रहिए। तो दोस्तों तीसरी सेटिंग क्या है, ठीक है ना, तीसरी सेटिंग पे आपको प्ले स्टोर पे जाना है, अपने प्ले स्टोर पे, ठीक है ना। ये सब दोस्तों इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के तरीके हैं। यहाँ पर आपको ट्रिपल डैश पे क्लिक करना है, इस यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेटिंग पे क्लिक करना है। मैं सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पर ऑटो अपडेट ऐप्स पे क्लिक करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसे बंद कर देना है दोस्तों। बंद करने से क्या होगा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। इससे बंद करने के से यह होगा दोस्तों कि मतलब आपका अगर कोई भी ऐप्स है तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक उसे अपडेट नहीं करेगा, यानी आपका जो ऐप्स वो रनिंग पे नहीं जाएगा। और अगर आप जहाँ पर अपना इंटरनेट यूज कर रहे हैं जिस भी ब्राउजर में, वहाँ का आपको फुल स्पीड मिलेगी, आपको स्पीड नहीं बटेगी दोस्तों। तो ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद यानी अच्छी ट्रिक है, इसे आपको आपको बंद कर देना है, ठीक है ना। तो मैं आपको बंद कर देता हूँ और फिर मैं आपको दूसरी सेटिंग बता देता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं अगली सेटिंग की, और अगली सेटिंग में आपको बता देता हूँ दोस्तों, लगभग दो से मतलब एक दिन में दो या तीन बार आपको अपने फ़ोन को एंटीवायरस से रिफ्रेश जरूर करना है दोस्तों। अगर दोस्तों यकीन मानिए, अगर दोस्तों ये सारी सेटिंग अपने मोबाइल में कर लेते हैं दोस्तों, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, अगर आपके एरिया में नेटवर्क अच्छे हैं तो दोस्तों फुल नेटवर्क स्पीड आपको मिलेगी दोस्तों, मिलेगी ही मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई हो, अगर समझ आई तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।